नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैष्णवी केतलकर आपके साथ। आज है 23 सितंबर और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। सावली के बालेवारसा गांव में 2 दिनों से लापता रहे युवक द्वारा तालाब में कूदकर अपनी जान देने की खबर है। युवक का नाम मारुति भास्कर रोहनकर, उम्र 25 होकर पाथरी पुलिस द्वारा उसकी मृत्यु को लेकर जांच जारी है। अर्जुनी मोड़ तहसील के अरुण नगर इंदौरा जंगल परिसर में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की गई जान। मृतक का नाम विनय खगेन मंडल, उम्र 25 होकर उसका शव जंगल में क्षत विक्षत अवस्था में पाया गया। गोंदिया के छोटा गोंदिया परिसर में स्थित तालाब में डूबने से 3 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। 22 सितंबर को दोपहर यह घटना घटी, जिसमें मृत बालक का नाम कुंजू पटले, उम्र 3 है। नागपुर उमरेड मार्ग पर एसटी बस और निजी ट्रैवल्स की दुर्घटना में 18 यात्रियों के जख्मी होने की खबर है। समाचार प्राप्त होने तक जख्मियों में से एक यात्री की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ से धानोरा होते हुए कुरखेड़ा तहसील में आए हाथियों ने हंगामा मचा रखा था। अब यह हाथियों का झुंड देसाईगंज के शंकरपुर वन परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 103 में पहुंच चुका है, जिससे यहां इन हाथियों के झुंड के आने की खबर फैलते ही किसानों में डर का वातावरण निर्माण हो गया है। जिले में बढ़ती जा रही है लंपी बीमारी की दहशत। अब 8 गांव के मवेशी लंपी से बाधित हो चुके हैं। बाधित मवेशियों का आंकड़ा और संक्रमण का क्षेत्र बढ़ता देख प्रशासन ने 60 गांवों को सतर्कता की चेतावनी दे दी है। गोंडपिपरी में शांताराम गोविंद भोयर नामक किसान बैल धोने पानी में उतरते ही बह जाने की खबर है। इन दिनों आई बारिश के चलते डैम से नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ चुका है। इसी बीच तेज बहाव के चलते यह किसान भी बह गया, जिसके बाद लगभग 100 मीटर की दूरी पर मछुआरों के जाल से किसान के शव को बाहर निकाला गया। सांसद बालू धानोरकर के प्रयासों के बाद चंद्रपुर गोंदिया मार्ग पर चलेगी 2 ट्रेनें। कोरोना काल में वर्षा चांदा फोर्ड और चांदा फोर्ड गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन बंद की गई थी, जिसे अब यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। यशोधन विहार। आपने अपने जीवन का काफी समय कंपनी में ड्यूटी करके बिताया है, तो स्वाभाविक है कि उम्र के आखिरी दौर में आप उसी गांव, कॉलोनी या कस्बे में अपना बाकी जीवन बिताना चाहेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब से आपने कोई कंपनी में उम्र के 20 या 25 साल से नौकरी शुरू की है, तब से लेके अब तक आप अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में ही रह रहे हो। लेकिन जब जीवन का आखिरी दौर शुरू होता है, तब ये महसूस होता है कि मैंने उम्र भर सिर्फ नौकरी ही की है, लेकिन बाल बच्चों के लिए एक छत भी नहीं बना पाया। पर अब यशोधन विहार, जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाड़ा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। एक 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का, और यहाँ गार्ड रूम, कंपाउंड वॉल, पार्किंग, हॉल, शॉपिंग सेंटर, ओपन स्पेस, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन, ओपन जिम, वाटर हार्वेस्टिंग और स्कूल जैसी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।
एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,50,000 की सब्सिडी होगी। स्टैम्प ड्यूटी 1,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस 1% और GST होगा 1%। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर कामगारों को दी जाएगी 2,00,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। ध्यान रहे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। चंद्रपुर में चाचा द्वारा नाबालिग भतीजी का अपहरण करते हुए छत्तीसगढ़ ले जाकर साल भर तक अत्याचार किया गया था। इस मामले का खुलासा होते ही पकड़े गए चाचा को 20 वर्ष की कैद तथा 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।